हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन और मैं हूं आपका अर्जुन। आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल एंड फाइन। और अभी कितना टाइम हो रहा है, 7:15 है और आज रात को व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। जस्ट बिकॉज क्यों, मैं सोच रहा हूं कि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, मतलब व्लॉग्स तो चलते रहते हैं। भाई गाइस, इस व्लॉग का आपने टाइटल देख लिया होगा, मम्मी की रसोई। इसमें आज मेरी मम्मी बनाने वाली है मोमोज, खा के आपको टेस्ट भी बताएंगे और मम्मी से भी मिलाता हूँ आपको, और जो जो बेस्ट मम्मी बना सकती है ना उस पर भी थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाएंगे। और आप भी कमेंट करके बताना कुछ आपको बनवाना हो स्पेशल, तो हम वो बनाएंगे और आपको खाने में बुलाएंगे, ठीक है? खाने में बुलाएंगे आपको। हेलो शेफ मैम, कैसे हो मैम? तो मैम अभी आप क्या बना रहे हो आज? तो आज मम्मी बनाने वाली है मोमोज की स्टफिंग तैयार है। तो आज मोमोज बना रही है मम्मी, और अब हम जो भी बनाएंगे अपने सब्सक्राइबर्स को बुलाएंगे और उनको खिलाएंगे, ठीक है? ओ भाई साहब, पहले आप तो टेस्ट करके देख लो। हाँ हम टेस्ट करते हैं पहले, कैसा। पापा को भी खिलाएंगे, पापा को भी नहीं पता बना रही हूँ ये सब, क्योंकि ना गाइस मेरी मम्मी को ना ये सारी चीजें बनाने के शौक बहुत थे लॉकडाउन में। मम्मी ने बड़ी बर्फियां बनाई है घर पे, मोमोज बनाए। कोरोना तो त्योहार हो गया था। हाँ कोई कुछ बना रहा, कभी मम्मी ने बालूशाही बनाई अच्छी बनाई थी, जलेबी भी अच्छी थी, और एक नारियल की बर्फी बनाई थी जो पूरी मम्मी ने अकेले खाई, इतनी टेस्टी थी। सूजी के रसगुल्ले, कुछ चीजें तो मम्मी इतनी अच्छी बना देती है कि सिर्फ मम्मी ही खाती है, हम में से कोई खाता ही नहीं था। तो अभी फटाफट मम्मी बना रही है मोमोज, तो जल्दी बनाओ भाई। अभी क्या क्या करा आपने, ये क्या करा हुआ है? जैसे मेरे को कूटना चाहते, कूट पाते नहीं, टाइम नहीं मिलता। मैं इस पे निकालूंगी, क्योंकि ये देखो अब क्या टाइम हो रहा है, 7:00 मतलब कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन। अब खाना बनाने का टाइम हो रहा है कि मोमोज का टाइम? हम सब खा लेंगे, पेट थोड़ी हमारा तो कुआ है, भरते रहो। वाकई में तुम्हारा कुआ है, चलो जल्दी बनाओ। देखो गाइस, ऐसे ठोकते हैं, फेंचते हैं, मतलब और ऐसे तो मेरे को भी अब पेट में जा रहे होंगे, और ऐसी मैं आपके अर्जुन को भी किसी दिन ठोकना चाहती हूँ। इतना ठोकना चाहती हूँ, इसको लाल बना दूं। फैंस, मेरे फैंस, कोई नहीं। A few moments later. जय माता दी, पापा कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आज मम्मी पता है क्या बना रही है खाने में? गोभी दिख रहा है, बंद गोभी, और क्या बना रही है? गलत, 2000 की शर्त लगाते हैं आप, और मैं जल्दी बताऊं मम्मी क्या बना रही है खाने में, वरना मैं जीतूंगा। गोभी तो दिख रही है सामने, पर बताओ इसे सब्जी नहीं, कुछ और भी बनता है। क्या बनता है? Yes, करो। मम्मी मोमोज बना रही है, अब 2000 रुपए दो फटाफट। हार गए आज, 4 दिन हो गए बोली नहीं हुई है दुकान पे, तो 2000 रुपए मांग रहा। काम नाम कुछ है नहीं है, चलो मम्मी मोमोज बना रही है। मोदी जी कह रहे हैं आगे मास्क लगा के लाओ रखो, ठीक है? नहीं तुम्हारा कोरोना नजदीक आ रहा है, कोई पता नहीं क्या होने वाला। तो आप किसी को कुछ बोलना चाह रहे हो कोविड के टाइम पे, तो क्या बोलोगे? यार मैं तो अभी भी मास्क जेब में रखा है, ये देख। हाँ तो जेब में रख के क्यों घूम रहे हो फिर? नहीं जेब में रख के क्यों घूम रहे हो? लगा के रखता हूँ, लगा के ये देख ले। अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये मास्क जेब में रखा, अभी जेब में जाना तो जेब में ही। मैं तो मोदी जी का पूरा पूरा साथ देता हूँ, मोदी जी फॉर लाइफ। मोदी जी कुछ जो कहते हैं ना वही करता हूँ। दोस्त बनाना पड़ेगा मोदी जी को जल्दी। दिल में बसे, दिल में मेरे मोदी जी दिल में बसे, दिल फाड़ के देख लो मोदी जी बाहर निकलेंगे। लेकिन मैं तो वोट उस केजरीवाल को देता हूँ। वोट अपनी अपनी मर्जी है, तुम केजरीवाल को दो, किसी को दो। अच्छा मम्मी के ऊपर आज व्लॉग बन रहा है, ये एक मैं नई सीरीज बना रहा हूँ जिसका नाम है मम्मी की रसोई एपिसोड 1। मम्मी की रसोई, इसमें हम क्या करेंगे, सुनो इधर बात सुनो, इसमें हम ये करेंगे कि मम्मी अच्छा अच्छा खाने को बनाएंगी, जो सब्सक्राइबर बोलेंगे। मम्मी तो मम्मी होती है, लॉकडाउन का टाइम भूल गए, जो मम्मी ने वो बनाई थी नारियल की बर्फी जो अकेले खाई थी। फिर कभी कभी मम्मी को ना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं यूट्यूब से देख के कुछ भी बना लूं। किसने बर्फी बनाई? नारियल की। पाप कहते थे नारियल की बर्फी पूरी खुद ही खा किसी ने खाई। जो हालत हो रही है ना ये दिवाली के बाद मिठाई खाने से ही हो रही है। अच्छा तो इसमें क्या है इस वाले व्लॉग में कि अभी तो हम मोमोज बना रहे खा रहे हैं, लेकिन दिवाली में जितनी मिठाई बची थी ना, फिर इसमें 3-4 किलो ये सब चट कर गई, और उसके बाद खांसी, गला खराब, ये सब निकल रहा है। दवाई ला ला के मेरे पैसों का बर्बाद हो रहा है। ये नहीं की मिठाई खाई मैंने, 1 किलो डोडा बर्फी, 1 किलो व्हाइट एंड ब्लैक रसगुल्ले, 1 किलो मिक्स मिठाई, और फिर पतीसा अलग। सोचो जरा, पहले मिठाई के लिए पैसे दिए, अब दवाई के लिए पैसे दे रहा हूँ। स्पंज भूल गए।
अब तो ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर का पिछले जन्म का उधार उतार रहे हैं, इतने पैसे जा रहे दवाई पे हैं। ये वो दवाई और हलवाई को ही गए मेरे पैसे। कितना टाइम लगेगा मोमोज बनाने में, जल्दी बताओ। थोड़ा टाइम लगेगा भाई। तो जब वो मोमोज पैक करोगे ना स्टफिंग, तब मेरे को बुला लेना एक बार, मेरे को दिखाना कि वो कैसे होता है। कितने 100 मोमोज बना दोगे आधे घंटे में? कितने बनाओगे? पाँच उसके, पाँच उसके। इतने सारे मोमोज? तो ये क्या, जल्दी बताओ, मैं तो अंधा हूँ, मेरे को नहीं दिखता। मैदा तैयार हो रहा है मोमोज के लिए, आटा लग रहा है। तो ये आप मैदा गूंद रहे हो ना? मैदे का आटा। मैदे का आटा, हाँ मतलब मैदा ही। गाइस ये भी स्टफिंग, इतनी हम मेहनत कर रहे हैं क्यों, सिर्फ 4 मोमोज के लिए, है ना? ज्यादा ही बन जाएंगे। तो गाइस ये भी मोमोज की फिलिंग थोड़ी ऐसी खा के देखूं, तो गाइस ये हमने बना दी गणेश जी की पूड़ी, छोटी छोटी जो पूड़ियां बनती है पूजा करते हैं वैसे से बनाना है, और ये बन गया मोमोज। कितनी बार बनाया आपने मोमोज? दूसरी बार बना लो, तीसरी बार, एक बार शायद दो बार पहले बना चुके हो आप। ये देखो अब क्या करना है, इसका स्टीम कैसे करोगे ये बताओ कहानी। चलो वो थोड़ी देर में ही बताना, सस्पेंस होना चाहिए। ये वाला मोमोज देख लो गाइस, मोमोज कम ही है, पेड़ा ज्यादा लग रहा है। सही बात है, तो बनाने तो मेरे को, चलो जल्दी बनाओ, और जब स्टीम करने जा रहे होंगे तब बताना, ठीक है? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मोमोज किस चीज के बन रहे हैं? आटे के। मोमोज, मोमोज छोड़ दे, बोलो मोमो। किस चीज के बना रहे हैं? आटे के या मैदे के? चिकन के। आज मंगलवार है देखो, आज मंगलवार है। अभी आपने पत्ता को भी देखी है ना, वेजी बना रहे हैं। कितने मोमोज बन गए? गिनती के दो। सही नहीं बन रहा यार। क्या कह रहे हो? डर लगता है ना, भूल जाऊंगी, मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। ये हुए ना मोमोज, चलो फटाफट बनाओ, और गाइस थोड़े से मोमोज और बन जाते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। हाँ मम्मी, कितने मोमोज बना दिए? 20 की 30? 11। कितने? 11। इससे बढ़िया तो मैं बाहर खाया था। और वो कितने देते हैं एक प्लेट में? 10। अरे मम्मी इतना टाइम, घर पे भी बने तो 10 ही बने, तो क्या फायदा फिर बताओ ना मेरे को, इसका कोई फायदा है? दिखाना एक बार मोमोज कैसे हैं। क्या हो गया, दिखाओगा? खोलो और खोलो उसको। अगर एक बात बताओ, इधर हम सच में सब्सक्राइबर को बुला लेते तो उनके सामने 10 एक प्लेट मोमोज रखते हैं। गाइस घर पे बनाया, खा लो, घर पे खाना बना है। कभी आपका मन करता है इसके अंदर मेरी उंगलियां देके मिक्स कर दो? क्या डालना है इसमें? वो देखो वो सो रहे हैं, और अभी आपने मिक्सी चला दी, देखो उठ भी गए वो। शांति नहीं है ना घर पे? कभी आपके सूट चलते रहेंगे फोन में, कभी मिक्सी चलती रही घर पे, क्या है ये? ऐसे ही होता है, घर तो घर ही होता है, चिड़िया घर ज्यादा होता है।
मेरा कमरा देखो, उससे कहीं आवाज ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता कोई इंसान अंदर है कि नहीं है। अरे कम बोल, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ओहो, बोले भी ना क्या कोई? बोले भी नहीं देंगे। कम बोलो। कब से कह रहा हूँ सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। कितना टाइम लगेगा बनने में? पता नहीं यार, ये तो टाइम नहीं। दो मिनट खा के दिखा दूँ, 11-10 ही हो जाएंगे फिर। पलटो रहे ने गाय का जुगाड़ हमने क्या करा हुआ है? कढ़ाई में नीचे पानी रखा है, पानी के ऊपर दूध की छन्नी रखी है, छन्नी के ऊपर मोमोज रखे हैं। ठीक। और उसको अभी हम स्टीम लगा रहे हैं। तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर अच्छे मोमोज नहीं बन रहे तो यार पलटू। हाँ, उंगली से उठा के पलट दो। पलटते कहाँ हैं, ऐसे ही रहते हैं तो बस। ठीक ठाक ही है, 900 बैड एवरेज। तो भाई वो ये घर पे है, आप मोमोज बनाओगे ना तो थोड़े एवरेज ही बनेंगे। अब मार्केट वाले को तुम खाते हो तो मार्केट वाले खाने की आदत ही है। तो भाई ये रहे मोमोज, और मम्मी को ही पता है कैसे बने हैं। मम्मी और मेरे को बहुत अच्छे बने, ऐसी है चटनी नहीं है स्पाइसी। मोमोज तो मेरे को ऐसे फीके से लग रहे हैं। नाइस। अभी गाइस जैसे मैंने आपको कहा था कि हम जो भी बनाएंगे अपने सब्सक्राइबर्स को खिलाएंगे, तो वही है। अभी मेरे गली में भी सब्सक्राइबर्स ही रहते हैं बच्चे छोटे छोटे, तो उनको बुलाता हूँ, उनको खिलाता हूँ और उनसे जेन्युइन रिव्यू लेंगे कि मोमोज कैसे बने। चलो अंदर, मोमोज खिलाएंगे फटाफट घर पे बने हुए। रुक जाओ, अभी मत खा लेना सारे, मैं वीडियो बनाऊंगा भाई। पता चला मैं वीडियो बनाऊं उससे पहले इन्होंने मोमोज खा लिया। बढ़िया, तुम्हें क्या प्रैंक लग रहा है कि मोमोज में वो क्या कहते हैं चीनी भी नहीं, चीनी भी नहीं डाली हुई है, नहीं ओरिजिनल है। चलो एक एक खा लो। ये देखिए हमारे यहाँ आ जाओ, जेन्युइन रिव्यू दियो, सच सच बहुत बढ़िया, कुछ ज्यादा ही बढ़िया हुआ। सही बता, खा ले भाई खा ले। तेरा भाई कहाँ है? वो तो ऊपर बैठा हुआ है। चलो अबे स्पाइसी है, चटनी कम कम खाना, कैसे लगे? जबरदस्त, खा तो ले पहले ठीक से। स्पाइसी बहुत है, बहुत मेहनत लगी है, हम आधे घंटे से मोमोज बना रहे हैं। गिनती के 11, गिनती के 11। भैया की मेहनत लगी है ना, वीडियो बनाते रहते हैं गोपो में, अभी भी फोन उठा के बकबक कर, खुद नहीं खा। ये मेहनत भैया लोग लाइक कर दो गाइस, आप भी खाओ, सबको खिला। ये मोमोज लग रहा है या फिर गुजिया? हाँ वही बोला हमने, गुजिया। तीन टाइप मोमोज का, तो कोई भी शेप दे दो। कितनी मिर्ची है यार चटनी में, कैसे खा रहे हो तुम लोग? अच्छा सच बताओ कैसा बने? मैंने तो गाइस यही था इस ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को क्या कर देना है? महादेव महाकाल के सहारे होंगे सबके बाल न्यारे, सान नहीं कर रहा कोई हम पे, जो कर रहा खुद कर रहा मैं अपने दम पे। आड़ा टेढ़ा में बलि नहीं दे रहा मुझे फंड, मत लग झूठे कर दूंगा झंड, ज्वाला हूँ मैं हूँ प्रचंड, नकली है तू फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, हाँ फितरत पाखंड तेरी बेटा, हाँ फितरत पाखंड तेरी। इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में।